24 घंटे में तबाह हो जाएगा चीन। चीन के खिलाफ गुआम द्वीप पर हो रही बड़ी तैयारी। अफगान पाक सीमा पर हालात हुए बेकाबू, टेंशन में इमरान। पाकिस्तान में खूनी संघर्ष शुरू, तालिबान ने संभाला मोर्चा। दोस्तों, चीन अपने को सबसे ताकतवर बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों से लगातार अपने रक्षा बजट में बहुत ही ज्यादा तेजी से इजाफा कर रहा है, तो वहीं अपनी सेना के आधुनिकीकरण और खतरनाक हथियारों को अपने जखीरे में शामिल कर रहा है। चीन की इन्हीं हरकतों को देखकर अमेरिका भी एक्शन में है और चीन को सबक सिखाने के लिए और उसको तबाह करने के लिए अपनी ताकत चीन को दिखाना शुरू कर चुका है। अमेरिका ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिसे न केवल चीन बल्कि रूस और उत्तरी कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी दांतों तले उंगली दबा रहा है। दोस्तों, चीन के बहुत ही नजदीक अमेरिका ने एक ऐसा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है जहां से अगर युद्ध हुआ तो चीन को कुछ ही घंटों के अंदर तबाही का मंजर देखना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे कि चीन के पास भी हथियार है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्वालिटी हथियार है वे अमेरिका के पास मौजूद है और अमेरिका ने ना जाने कहां कहां पर अपने हथियारों को बिछा रखा है। उसके कितने सैन्य ठिकाने हैं इसके बारे में गिनती नहीं की जा सकती। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका चारों तरफ से चीन पर अटैक कर सकता है जिससे चीन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। तो वहीं अमेरिका भारत को भी अपने पक्ष में ले रहा है क्योंकि दक्षिणी एशिया के अंदर एक ऐसे देश की जरूरत है जो चीन के खिलाफ अमेरिका की मदद कर सके। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका खुद इसमें शामिल है जिसके लिए उन्होंने क्वाड संगठन बनाया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दूं कि चीन और रूस के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका प्रशांत महासागर में बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका जो ये युद्धाभ्यास कर रहा है उसको कोप नॉर्थ 22 नाम से जाना जाता है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना भी हिस्सा ले रही है। गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस पर आयोजित इस युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एलिफेंट वॉक कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस दौरान रनवे पर एक साथ 130 विमानों को लाइन अप कर उनका टेक ऑफ करवाया गया। इतना ही नहीं, इन विमानों ने एक साथ हवा में कई युद्धक फॉर्मेशन बनाते हुए उड़ान भी भरी। दोस्तों, चीन से 2900 किलोमीटर दूर एंडरसन एयरफोर्स बेस पर अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन सीधे तौर पर बीजिंग और मॉस्को के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। गुआम प्रशांत महासागर में अमेरिका का बड़ा नौसैनिक और वायु सैनिक अड्डा है। इस बेस का प्रमुख उद्देश्य प्रशांत महासागर में चीन और रूस की आक्रामकता पर लगाम लगाना है। इतना ही नहीं, अमेरिका इसी नेवल बेस के जरिए उत्तरी कोरिया पर भी निगाहें रखता है। इसके अलावा जापान में भी अमेरिकी नौसेना का सातवां बेड़ा मौजूद है। ऐसे में हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी अमेरिका एशिया का बड़ा रणनीतिक और सैन्य खिलाड़ी है। कोप नॉर्थ 22 युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका और उसके साथी देशों ने सीधे तौर पर चीन और उत्तरी कोरिया को अपनी मार्ग क्षमता का दर्शन कराया है। 2-18 फरवरी तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 2500 से अधिक अमेरिकी एयरमैन, मरीन और सेलर्स हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के 1000 नौसैनिक भी इसमें शामिल हैं। 1978 में शुरू हुआ यह अमेरिका का सबसे बड़ा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। 1999 तक इस युद्धाभ्यास को जापान के मिसावा एयरबेस पर आयोजित किया जाता रहा, बाद में इसे गुआम के एंडरसन एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, आपके सामने मैंने जिस एलिफेंट वॉक का जिक्र किया वो क्या होता है इसके बारे में भी आपको बता दूं कि एलिफेंट वॉक शब्द द्वितीय विश्व युद्ध से आया है। उस समय दुश्मन देशों पर बमबारी के लिए एक साथ बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स को टेक ऑफ करवाया जाता था। यह टेक ऑफ किसी हाथी के झुंड के समान दिखता था जिसमें विमान हाथी की नाक से पूंछ तक की आकृति में रनवे पर तैनात किए जाते हैं। इसमें बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर आदि शामिल होते हैं। गुआम से साउथ चाइना सी पर अमेरिका की नजर प्रशांत महासागर में स्थित इस छोटे से द्वीप पर अमेरिकी सेना की महत्वपूर्ण रणनीतिक मौजूदगी है। इस द्वीप से अमेरिकी सेना न केवल प्रशांत महासागर में चीन और उत्तरी कोरिया की हरकतों पर नजर रख सकती है बल्कि उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने और नेवल ब्लॉकेज लगाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। यहाँ 5000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। यहाँ तैनात अमेरिकी स्ट्रेटजिक बॉम्बर युद्धपोत लगातार चीन के आसपास के इलाकों में गश्त लगाते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों अब जानते हैं दूसरी खबर।
अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बड़ा तनाव, इमरान के देश को बम धमाकों से लगातार दहला रहा टीटीपी, टेंशन में सरकार। दोस्तों, जिस तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता दिलाने में पाकिस्तान ने मदद की, वही तालिबान अब पाकिस्तान की नाक का नासूर बनता जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब पाकिस्तान में जो कुछ हालात बन रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे तालिबान का बड़ा हाथ है, क्योंकि टीटीपी, जिसको पाकिस्तान तालिबान भी बोला जाता है, अब उसके लिए पाकिस्तान को दहलाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि उसको एक ऐसी सरजमी मिल गई है जहां पर वह अपनी जड़ें फैला सकता है और तालिबान का सपोर्ट उसके साथ है। दरअसल दोस्तों, डुरंड लाइन के नाम से जानी जाने वाली अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की सीमा को लेकर तनाव बढ़ गया है। इस सीमा को अफगान तालिबान मान्यता नहीं देता है। यही वजह है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लूटा है, तभी से पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले बढ़ गए हैं। रविवार को खुर्रम जिले के उत्तर पश्चिमी सीमा चौकी पर 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इन्हें अफगानिस्तान की जमीन पर रहने वाले चरमपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने ली। इसे पाकिस्तान का लोकल तालिबान भी कहा जाता है। तालिबान सरकार और पाकिस्तान सरकार ने इस समस्या के निदान के लिए सीज फायर समझौता किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस्लामाबाद ने अफगान तालिबान नेतृत्व से कहा है कि वे चरमपंथियों को नियंत्रित करने के लिए टीटीपी के आतंकवादियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी क्षमता के तौर पर देखता है। उन्होंने कहा, अगर तालिबान पाकिस्तान की चिंता पर ध्यान नहीं देता है तो उन पर कौन विश्वास करेगा? कौन उनके उस दावे पर विश्वास करेगा जिसमें उन्होंने अलकायदा और ऐसे ही दूसरे समूहों के साथ रिश्ते खत्म करने का वादा किया है। इससे पहले पाकिस्तान का अफगानिस्तान की पश्चिमी समर्थित सरकार के साथ भी सीमा को लेकर विवाद होता रहा है। अफगानिस्तान ने कभी भी इस सीमा को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है, जिसके चलते दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प में कई की मौत हो गई। जब अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ तो पाकिस्तान ने भी उसकी जीत का जश्न मनाया। यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी और आम नागरिक तालिबान की सत्ता से वापसी से खुश थे। तालिबान की सत्ता में वापसी से पाकिस्तान को क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल गया। उसे लगा कि अब वह तालिबान को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है और उसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकता है। हालांकि एक सच तो यह भी है कि अफगान तालिबान नंगरहार प्रांत में टीटीपी की पेंट कमजोर नहीं कर सका है। पाकिस्तान ने सीमा पार होने वाले आतंकी हमलों और तस्करी को रोकने के लिए साल 2014 में सीमा पर बाड़ लगाना शुरू की थी। उसने कहा कि वह 90% सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर चुका है, लेकिन सीमा के जिस तरफ बाड़ नहीं लगी और जांच नहीं होगी, वहां से चरमपंथियों ने पाकिस्तान में प्रवेश कर घातक हमलों को अंजाम दिया है। तालिबान के लड़ाकों ने कम से कम 3 बार सीमा वाले इलाकों में बाड़ को तोड़ा है और पाकिस्तानी सैनिकों को धमकाया है। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।